नूर फ है जो सब नूरों से अजला निकला अलफ़ल के एक सौ साल पूरे होने पर लंदन से अलफ़ल ऑनलाइन एडिशन का आगाज हो रहा है और ये अखबार अलफल रोज़नामा आज से एक सौ छः साल पहले मुस्लिम आउद रिजलान ने मुख्लमसी अब्वल की इजाज़त और दुआओं के साथ अठारह जून उन्नीस सौ तेरह को शुरू फरमाया था इस कदीम उर्दू रोजन रोजना अखबार का लंदन से अलफल ऑनलाइन एडिशन का मरखा तेरह दिसंबर दो हज़ार उन्नीस से आगाज़ हो रहा है आज इन शाह तगाज़ हो जाएगा जो बध्रिया इंटरनेट दुनिया भर में हर जगह बड़ी आसानी के साथ दस्याब होगा ये अखबार वेबसाइट के अलावा ट्विटर पर भी मौजूद है और एंड्रॉड का ऐप भी बन गया है सोशल मीडिया के इंदराए से भी अब ये क्योंकि रोज़ाना शुरू हो गया है उर्दू पढ़ने वाले अहब को इस्ता करना चाहिए और इसी तरह मजमू नगार और शरा हजरा भी अपनी कल में भी करें इसके लिए ताकि अच्छे और तकी की मजामी भी इसमें शायद हों अखबार अलफल का इजरा हज़रत मुसल मऊद रज़ी तनों ने उन्नीस सौ तेरह में फ़रमायादान से हजूर ने फरमाया कि जमात की तालीम और तरबियत के लिए ये अखबार जारी किया गया है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमारा स्टाफ दिन रात मेहनत करता है और कोशिश करता है कि ताज़ा बताज़ा ख़बरें रिपोर्ट्स मजामी आपकी खिदमत में पेश किया जाएँ मेरा नाम वहीद अहमद है मैं वाकफ ज़िंदगी हूँ और अल्लाह के फजर से मुझे अलफ़र इंटरनेशनल के मैनेजरियल डिपार्टमेंट में, में खिदमत की तफीक मिल रही है इस डिपार्टमेंट का जो मेन काम है वो अखबार की को प्रिंट करवाना और इसकी इसकी तकसीम करवाना जो खरीदार हैं उन तक ये अखबार पहुँचाना इस तरह अलफल अल्लाह के फजर से पचहत्तर ममालिक में जा रही है खाकसार का नाम फ्रुख रहील है और इस वक्त खाकसार को बत नायब एडिटर की हैसियत से अलफ़ल इंटरनेशनल में खिदमत की तोफ़ी मिल रही है और खारकसार ने बहरहाल ये मुशाह किया है कि खिलाफत अहमदिया के जेर सया हज़रत खलीफतलमसीदाह तिनज़ीस के जेर साआ इस शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इब्तदान ये हफ्तावार अखबार था आहिस्ा आहिस्ता हफ़ते में इसकी फ्रिक्वेंसीज़ या इसकी अशातें तब्दील होती रही हफ़्ते में दो मरतबा भी हुआ तीन मरतबा भी हुआ चार मरतबा भी हुआ लेकिन ये उन्नीस सौ पैंतीस आठ मार्च उन्नीस सौ पैंतीस को ये रोज़नामा हो गया जमाती लिहाज से इसकी बहुत खदमात हैंज़ील्ल बहुत अदारे भी लिखे और ऐसे ऐसे जानदार अदारे डेफिनेटली ऑबियसलीजूर की तरफ़ से थे तो ऐसे लिखे गए कि हुकूमत को बेहतरीन मशूरों से भी हजूर ने नवाजा और हक बात का प्रचार भी इस अखबार के जरिए किया गया ज़्याल के दौर में जब जमात पर प्रसिक्यूशन का दौर था पाबंदियाँ आयद की गई तो अलफ़ल पर फिर पाबंदी लगाई गई और आ, ये तकरीब चार साल तक पंद्रह हजरत खरीफलमसी रात जब देखा कि अखबार अलफ़ल पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं तो हजूर ने आ, लंदन से एक अखबार अलफ़ल का इंटरनेशनल एडिशन उसको जारी फरमाया ये उन्नीस सौ चौरानवे की बात है सत्ताईस मई दो हज़ार उन्नीस से इस अखबार को हफ्त रोज़ा से सह रोज़ा कर दिया गया और अल्लाह के फिर से अब तक ये अखबार सहरोज़ा के तौर पर कामयाबी से शाया हो रहा है अल्लाह ताला में तोफ़ीक भी अता फ़रमाता अलफजल इंटरनेशनल की जो जदीद वेबसाइट है अलफजल. डॉट कॉम इस वेबसाइट में ये तमाम का तमाम अखबार पी डी एफ की सूरत में भी मौजूद है लेकिन टेक्स्ट की सूरत में भी मौजूद है उस पर सर्च भी की जा सकती है अगर लफ्स एक दाखिल किया जाए सर्च की जा सकती है मजमून तक पहुँचा जा सकता है अगर किसी को तकारीर तैयार करने के लिए कोई मवाद सॉफ्ट फॉर्म में टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए हो तो बड़े आराम से उसको कॉपी और पेस्ट भी किया जा सकता है फिर इस जदीद वेबसाइट कि जो एक अहम बात बहुत एक एक मुनफरद जो हम, मैं तो एजाज़ ही कहूँगा हमारा एजाज है अल्लाह के फिलहाल से अलफ़ल इंटरनेशनल का कि कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजामी की तहरीर के साथ साथ उनको ऑडियो सूरत में भी अपलोड किया जाए तो एक ऑडियो अलफ़ल हमारा बाकायदा एक प्रोजेक्ट है और बड़ी मेहनत के साथ उस पर काम होता है हर अखबार के जो मजामी और रिपोर्ट्स हैं उनकी ऑडियोज़ तैयार की जाती हैं वक्त के साथ साथ उनको अपलोड भी किया जाता है तो हमारी जो वेबसाइट के साथ जो एप्स भी जारी की गई उन एप्स में एंड्रॉयड टेलीफोन पे भी एप्स एप को डाउनलोड किया जा सकता है और जो आईओएस है आईफोन, आईपैड वग़ैरह है उस पे भी ऐप्स को डाउनलोड किया जा सकता है हर हर जगह पे हर ऐप में हर कंप्यूटर पे ऑडियो को बड़ी सहूलत से सुना जा सकता है जो लोग अखबार पढ़ नहीं सकते उर्दू पढ़ नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है इसके अलावा जो लोग मसरूफ़ हैं काम कर रहे होते हैं काम के दौरान अगर ऑडियो को सुनना चाहें मजामीन की तो उस ऑडियो को उस मजमून के साथ मुंसलिक किया जाता है और उसको वो सुन सकते हैं